स्वागत है आपका करंट अफेयर एमसीक्यू वीडियो में, जो कि मैं लेके आता हूँ डेली फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? इन्वेस्टमेंट बैंक्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। योर ऑप्शंस आर ए 1 2 3, बी 1 2, सी 2 3 4 एंड डी 1 2 3 4। इस क्वेश्चन में बात करेंगे हम सेबी की, जो कि है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये आपके पास ये फोर डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, आपने चेक करना है इनमें से कौन से करेक्ट है। जो भी आपको करेक्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इस कोड को सिलेक्ट करके अपना आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये सेबी होता क्या है। ट्राई करिए एक बार। गुड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर ये चारों एंटिटीज आती है। अब जान लेते हैं सेबी क्या होता है। सेबी हमारी कंट्री के अंदर शेयर मार्केट और डिवेंचर और जो भी सिक्योरिटी पेपर होते हैं उसको मॉनिटर करने वाला इंस्टीट्यूशन है। और इसे इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारी कंट्री में, ये अप्रैल 1988 में, 12 अप्रैल 1988 में फाउंडेशन हुआ था, पर इसे 1992 में इसे ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। और इसके अंदर कुछ और भी इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: इन्वेस्टमेंट बैंक, कैपिटल मार्केट, स्टॉक ब्रोकर, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी फ्यूचर्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है इसका जो मॉनिटर करने का काम कौन करते हैं? सेबी करते हैं। ठीक है, तो जब हमारी कंट्री में 1991-2 के आसपास जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले थे, तो उसके जस्ट आफ्टर ये इंस्टीट्यूशन को पिक्चर में आता है ये इंस्टीट्यूशन, और हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पेपर्स होते हैं उसकी निगरानी, उसकी मॉनिटरिंग के लिए इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया, और आज तक ये फंक्शनिंग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस, यानी आईपीएसएफ। द आईपीएसएफ इज द पार्ट ऑफ आईपीसीसी ऑनगोइंग वर्क टू सपोर्ट अ ग्लोबल ट्रांजिशन टू लो कार्बन एंड मोर रिसोर्स एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सचेंज द डिसेमिनेटेड इंफॉर्मेशन टू प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिस इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबल फाइनेंस। इंडिया इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? योर ऑप्शंस आर ए 1 2, बी 1 3, सी 2 3, डी 1 2 3। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस की, ठीक है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और इसमें आपको जो फाइंड आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो थ्री डिफरेंट स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास ये ऑप्शन है, तो अटेम्प्ट करिए और फिर देखते हैं फिर क्या करेक्ट है, और फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सी, यानी कि 2 एंड 3, यानी कि जो ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस है ये डील करता है बेस्ट प्रैक्टिस की इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल फाइनेंस की, यानी कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क हैं और इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड है, इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है इसके बारे में बात करता है, और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी ये इसका जो फाउंडेशन हुआ था, लास्ट ईयर ही हुआ है, 2019 में अक्टूबर 18 को। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स। इंडिया डज नॉट ऑफर एनी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फॉर सार्क कंट्रीज। Usually the currency swap operation carry no exchange rate risk. India can use the dollar reserve obtained through currency swap to maintain an appropriate level of balance of payment or short term liquidity. Which of the statement above are correct? Your options are A 1 2, B 2 3, C 1 3 and D 1 2 3. इस क्वेश्चन में जो आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन वो टॉपिक है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, पहली बात ये। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने देखना है कि भी ये स्टेटमेंट आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे आपके पास थ्री डिफरेंट स्टेटमेंट है, इसमें जो करेक्ट है आपको वो आइडेंटिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक लगाना है, यानी कि ये आपको अपना आंसर चूज करना है। तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यानी बी है, बी यानी कि टू एंड थ्री स्टेटमेंट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है इसके अंदर। तो हमारी कंट्री जो है स्वैप एग्रीमेंट, पहले जान लेते हैं ये स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाह रही है, बट दोनों कंट्री के पास डिफरेंट करेंसी है, तो एक्सचेंज रेट कुछ ना कुछ डिसाइड करना होता है, तो फिक्स करती है किसी एक करेंसी में ट्रांजेक्शन करें। मोस्टली जो दुनिया में जो हमारी वर्ल्ड में जो करेंसी यूज किया जाता है वो यूएस डॉलर यूज किया जाता है, तो इंडिया भी इसको यूज करती है अपने ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि इंडिया यूएस डॉलर को यूज करती है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और जिसमें रिक्स नहीं होता ऐसा नहीं है, इसमें मिनिमम रिक्स होता है क्योंकि यूएस की जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी है बहुत स्टेबल मानी जाती है, इसमें थोड़ा कम रिक्स होता है। तो ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इट रेफर्स टू द प्लेज और अ पॉलिसी बाय द न्यूक्लियर पावर नॉट टू यूज न्यूक्लियर पावर वेपन एज ए मीन्स ऑफ वेलफेयर और अनलेस वॉरफेयर अनलेस फर्स्ट अटैक बाय द एडवर्सरी यूजिंग न्यूक्लियर वेपन। नाउ द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अप्लाइड टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर। इंडिया बिकम द फर्स्ट नेशन टू प्रपोज एंड प्लेज नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी व्हेन इट कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट अंडर पोखरण सेकंड इन 1998। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। योर ऑप्शंस आर ए टू ओनली, बी वन एंड टू, सी टू एंड थ्री एंड डी थ्री ओनली। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है जो नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, यानी कि जो जितने भी ऐसी कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो उनके बीच में एक किसी किसी कंट्री ने एक ये एक प्रपोजल लेके आई है कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि वो किसी भी कंट्री के साथ जब वॉर होगा तो पहले यूज नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक करती है न्यूक्लियर पावर के साथ तब वो उसको यूज करे। तो ये पॉलिसी आपने बताना है कि भाई कौन सी कंट्री पहले लेके आई है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको पता है तो ये तीन स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है पहले तो आपको ये बताना चाहिए। कौन सी कंट्री लेके आई है, इसके अंडर क्या क्या कैटेगरी के अंदर ये क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको। अगर ये सारी चीजें आपको पता है इसके हिसाब से आप ये तीन स्टेटमेंट है उसे चेक करिए और फिर उन तीन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। चलिए एक बार रीड करिए और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इनकरेक्ट की बात की जा रही है तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये एक प्रपोजल है जो कि इंडिया नहीं बल्कि चाइना लेके आया था। ये इंडिया ने बाद में इसे पोखरण में जब 1998 में पूरे वर्ल्ड वाइड जब इंडिया के अगेंस्ट में जब सारी कंट्री खड़ी हो गई तो इंडिया ने भी ये बोला था कि हम भी इसे फर्स्ट यूज नहीं करेंगे बल्कि हम बाद में यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को जो सबसे पहले जो कंट्री लेके आई थी वो लेके आई थी चाइना लेके आई थी, और चाइना लेके आई थी जब इंडिया चाइना वॉर 1962 हुआ था उसके बाद, यानी कि 1964 में इसे लेके आई थी चाइना। और इस अभी तक इंडिया के चाइना के बाद इंडिया भी इस पॉलिसी को फॉलो करती है जो कि इंडिया ने पोखरण में 1998 में इसका जो टेस्ट किया था उसके बाद से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। अच्छा उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सिटी इज लीगली बाइंडेड ऑन स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन विच आर ऑब्लाइज टू अडॉप्ट देयर ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट इट्स गोल। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द IUCN। वर्ल्ड ट्रेड इज नॉट परमिटेबल फॉर द स्पीसीज कवर्ड अंडर द अपेंडिक्स वन ऑफ CITES। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। योर ऑप्शन आर टू ओनली, बी वन एंड टू, सी वन एंड थ्री एंड डी टू थ्री। तो इस क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही साइट्स, यानी कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोना, इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और उसके लास्ट में आपने ये जरूर पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में करेक्ट नहीं बल्कि इनकरेक्ट की बात की जा रही है, यानी कि जो उनसे भी स्टेटमेंट गलत है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर, ठीक है। सही वाला नहीं बल्कि गलत वाला आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। कुछ कई बार क्वेश्चन आते आते भी ये मिस्टेक कर लेते हो आप लोग।
ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन, फिर बात करते हैं ये होता क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। सेकंड सेकंड भी गलत है इसके अंदर, यानी कि गलत होने का मतलब, इनकरेक्ट होने का मतलब हमारे ऑप्शन के लिए ठीक बैठ गया ये। और ये थर्ड भी है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड एक इकलौता ऐसा कन्वेंशन है जो लीगली बाइंडेड है, अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी क्या नाम है एग्रीमेंट साइन होते हैं वो लीगली बाइंडेड नहीं होता, वो एक सजेस्टिव मेजर होते हैं बस। और ये जो है क्या नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज और वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना यानी साइट्स, ये IUCN के अंदर नहीं आता, बल्कि ये आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो कन्वेंशन ये साइन किया गया था March 3, 1973 में इसे साइन किया गया था। और इसके अंदर जितनी भी स्पीसीज आती है या फ्लोरा या फोना जो भी इसके अंदर चीजें आती है उसके अंदर उसकी ट्रेड उसका बंद नहीं होता, बल्कि उसका ट्रेड को चैनलाइज करने के लिए कि कैसे ट्रेड होना चाहिए, मॉनिटरिंग के लिए ये कन्वेंशन काम करती है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर हो गया ये इसका डी हो गया, सेकंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट गलत है, जो कि क्वेश्चन में गलत ही पूछा गया था आपसे। तो फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो डेली बेसिस पे।